हेलो दोस्तों, मैं संतोष और आप देख रहे हैं ब्लॉगर वीडियो। पिछले वीडियो में आपने देखा था हमारे घर का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे घर की छत और छत तक जाने के लिए बन रही है ये सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ पहले ड्रॉ की गई है चौक से और इसके बाद इसको बनाया जाएगा। सीढ़ियों के लिए सबसे ज़्यादा चाहिए हमें सरिया, और हमारे जो मिस्त्री हैं वो इस बड़े सरिये को काट काट कर इसके छोटे टुकड़े कर रहे हैं, और इन अब छोटे किए हुए टुकड़ों से ये रिंग बनाएंगे जो सरिये को जोड़ने का काम करेगी। ये काम हाथ से किया जाता है। बहुत मोटा सरिया है, इसमें 8 इंची 8 mm, 12 mm, 16 mm और 20 mm भी है, लेकिन इसको हाथ से इन्होंने रिंग बनाई है। छत के लिए इन्होंने छत तक जाने के लिए सीढ़ियों में ढलाई कर दी है, और ढलाई के साथ देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ बनकर हमारी तैयार है। अब आपको हम दिखाते हैं कि मौसम है वो बारिश का है, और इनको बनाने के लिए, छत को बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो मैं आज आपको दिखाना चाहती हूँ। ये जो हमारे ठेकेदार जी हैं, बड़ी मेहनत से रिंग बना रहे हैं, इसके बाद सरिये को काट रहे हैं, और जो छत की दीवार है यहाँ पर ये लेंटर भर रहे हैं। पूरी जो दीवारें हैं इनमें एक एक फिट का ये लेंटर भरा गया है। सरिये को जोड़ कर इनके बीम बनाए गए हैं, और फिर ये जो प्लेटें हैं इनसे सेटरिंग जमाई जाएगी। ये जो प्लेट है और ये जो क्या बोलते हैं इनको, लकड़ी है जो बढ़िया है, इनको जोड़कर इस तरह से इनको तैयार किया गया है। नीचे इनका सपोर्ट दिया गया है बढ़ियों का, लकड़ियों का, और उस पर इन्होंने कुछ इस तरह से प्लेटें लगाई है। प्लेटें लगाकर इसके ऊपर इन्होंने सरिये के टुकड़े किए हैं, बड़ा बड़ा जो 40 फीट लंबा सरिया आता है उसके टुकड़े करके इन्होंने इस तरह लगाया है। बहुत सुंदर तरह से, बहुत मजबूती के साथ इन्होंने, बहुत मेहनत के साथ इसको इन्होंने जोड़ा है और हमारी छत को तैयार किया है। ये उगता हुआ सूरज है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। फर्स्ट फ्लोर की छत अभी है। फर्स्ट फ्लोर की छत से भी हमारा गांव हमें दिखाई दे रहा है, बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। ये छत डालने के लिए सेटरिंग होने के बाद मशीन है, बड़ी मिक्सचर मशीन है जो आई गई है, और बड़ी मेहनत से 4 लोग इसको खींच कर छत तक ले जा रहे हैं जहाँ से छत की भराई शुरू होगी। बहुत मेहनत का काम है। इन्होंने अपना काम कर दिया, तो इसके बाद जो लाइट फिटिंग वाला है उसने अपना काम किया है। जगह जगह इन्हें इस तरह से जो पाइप हैं लाइट फिटिंग वाले, उनको लगाया गया है। बहुत मतलब मेहनत का काम है ये छत भरना। हम कहते हैं कि जो छत है वो उसे उतना महत्व नहीं देते, लेकिन वास्तव में जो बनाता है उसे ही पता है कि कितनी मेहनत लगती है इसमें। तो एक सुगुन होता है हमारे यहाँ पर, सगुन होता है कि जो बच्चियाँ हैं, कन्याएँ हैं, सुवासिनी, वो इन पे धागा बांधती है। तो ये काम घर में सुवासिनी सोना ही है अभी, तो सोना द्वारा किया जा रहा है। फिर इसको लेट हो जाएगी ऑफिस जाने के लिए, इसलिए ये अपना काम करके जा चुकी है, और अब ये छत भराई वाले लोग आ चुके हैं। सभी वर्कर लगे हैं। पेड़ पौधों के बीच में से आपको दिखाई दे रहा है, दूर से घर काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, और एक बहुत बड़ी फौज जैसी यहाँ लगी हुई है जो भराई का काम शुरू कर चुकी है। 8-10 लोग लगे हैं। कोई गिरी डाल रहा है मिक्सचर में, कोई बजरी डाल रहा है, कोई सीमेंट डाल रहा है, और ये जो लिफ्ट है इसमें भर भर कर ऊपर मिक्स करके ऊपर भेजी जा रही है। तो बहुत मेहनत का काम है। बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद है इनके लिए। इतनी मशीनें होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं इंसानों की कितनी ज़रूरत है, और कितनी मेहनत से ये लगे हुए हैं। ये नीचे का था और ऊपर भी कम मेहनत नहीं है। ये हमारे दीप जी लगे हुए हैं जो सीमेंट और मिक्सचर ऊपर लगाई जा रही है, सीमेंट और कंक्रीट बजरी, उसको सही जगह से लेबल लेकर इसको वाइब्रेट करके, कहीं हवा नहीं रह जाए बीच में, और कहीं थोथ नहीं रह जाए, पोली नहीं रह जाए, कहीं छत हमारी मजबूती आ जाए, इसलिए देखो कितनी मेहनत से ये लगे हुए हैं। और पूरी सीमेंट है, सीमेंट में पूरे पैर इनके जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने पैरों की परवाह किए बिना स्पेशल ये जूते पहन कर इसकी भराई में लगे हुए हैं। तो एक सैल्यूट इनके लिए भी बनता है। छत की भराई अमूमन हो चुकी है एक साइड से, और भरने के बाद छत कुछ इस तरह लग रही है। उधर अभी इनका जो छोटा मशीन है वाइब्रेट वाला, उसमें डीजल डाला जा रहा है, पेट्रोल डाला जा रहा है, और उसको शुरू किया जा रहा है। इस तरह से ये छत भर चुकी है, और बड़ी मेहनत से देखो फिर भी लगे हैं। सुबह करीब 9 बजे छत भराई का काम शुरू हुआ था। करीब 100 कट्टे सीमेंट इन्होंने लगाए हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना माल जो सुबह यहाँ भरा हुआ था वो सारा माल इन्होंने लगाया, और कितनी मेहनत से लगे हुए हैं। मतलब इतनी ऊंचाई पर इन मशीनों पर बैठने के बावजूद इन्हें डर नहीं लग रहा है, और ये काम किए जा रहे हैं। अमूमन शाम को 5 बजे तक भराई का काम पूरा हो गया था, और ये छत कुछ इस तरह से भर दी है इन्होंने पूरी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, इक्वल काम हुआ है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। छत भराई के बाद करीब 10
से 15 दिन होता है, लेकिन हमने 20 दिन तक इसको पानी से भर के रखा है। ये सूर्यास्त का दृश्य है, बहुत ही खूबसूरत। अस्त होता वह सूरज, उसका प्रतिबिंब इस पानी में गिर रहा है, तो वो बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। ये छत भराई के 20 दिन बाद सेटरिंग वापस उतारी जाएगी। देखिए कितनी मेहनत लग रही है, एक एक बड़ी को ये उतार रहे हैं, और ऐसे ही पहले एक एक बड़ी को लगाया था इन्होंने। इसके बाद जो प्लेटें लगी है उनको उतारा जाता है, और प्लेट कहीं सर पे गिर नहीं जाए इसलिए दूर से पत्थर मारकर इनको इस तरह से गिराया जाता है। तो रिस्क की काम भी है और मेहनत का काम भी है। वास्तव में ये जो वर्कर होते हैं, ये जो मजदूर वर्ग हैं, ये जो इस तरह से काम कर रहे हैं, इनका जीवन खतरों से भरा होता है। अपने जीवन को खतरे में डालकर ये हमारे लिए बहुत अच्छा करते हैं। छत भराई के 20 दिन बाद दोबारा से सेकंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है। नीचे से सीमेंट, बजरी, सारा सामान ऊपर जाना है। बहुत मेहनत से ये इस ट्रॉली से ला रहे हैं, एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं ईंट, सीमेंट, बजरी को, और ठेकेदार जी कुछ इस तरह से लिफ्ट से इस सामान को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो सेकंड फ्लोर जो काम हो रहा है वो थोड़ा और मेहनत वाला है, क्योंकि पहले सामान एक जगह इकट्ठा करना, फिर उसको ऊपर चढ़ाना इस तरह से, और फिर उसको काम में लेना। तो यद्यपि वैज्ञानिक युग है, बहुत मेहनत कम हो गई है अभी। यदि सोच के देखें, इतनी सारी ईंटें यदि ऊपर चढ़ानी होती और वो भी सीढ़ियों से आना होता तो इंसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती। तो विज्ञान की तरक्की से कुछ फ़ायदा भी हुआ है, और वो सभी को फ़ायदा है, वर्कर को भी फ़ायदा, इनका भी समय बच रहा है और मेहनत कुछ कम हो रही है। ट्रॉली हो गई तो ट्रॉली से ईंटें यहाँ तक आ जा रही है आराम से। तो आप हमारे साथ बने रहें, घर का कंस्ट्रक्शन सेकंड फ्लोर और उससे थर्ड फ्लोर भी जाएगा, तो बने रहें हमारे साथ। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। वीडियो यदि थोड़ा सा भी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अपना प्यार यूं ही हम पर बरसाते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य व्लॉग में, अन्य वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।